स्मैक के साथ महिला को किया गिरफ्तार। थाना सिविल लाइन पुलिस ने 40 ग्राम स्मैक के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से नकदी भी बरामद की गई। साथ ही पुलिस ने महिला के घर में युवक को स्मैक पीते हुए पकड़ा है। महिला मुरादाबाद के भातो कॉलोनी घर में करती थी स्मैक का कारोबार। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त नीलम पत्नी राजू निवासी आदर्श कॉलोनी थाना सिविल लाइन को 40 ग्राम स्मैक जिसकी कीमत 80,000 रुपये और 71,000 रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त नीलम पेशेवर अपराधी बताई जा रही है। नीलम नाम की महिला भातु कॉलोनी स्थित अपने मकान में ग्राहकों को बैठाकर स्मैक के साथ स्मैक पीने के लिए आवश्यक सामग्री फाइल पेपर माचिस आदि भारी मात्रा में बरामद हुआ है। स्मैक बेचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटा तथा कागज की पुड़िया बांधने के लिए सफ़ेद कागज बरामद हुआ है। साथ ही पुलिस ने अभियुक्त नीलम के घर में एक व्यक्ति राजकुमार निवासी आदर्श कॉलोनी थाना सिविल लाइन को स्मैक पीता हुआ गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 10 ग्राम स्मैक जिसकी कीमत 20,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने अभियुक्त नीलम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। सराहनीय कार्य करते हुए एक स्मैक बेचने वाले जो है गिरोह को यहाँ पे पकड़ा है। पिछले कई दिनों सूचना प्राप्त हो रही थी कि फकीरपुरा में आदर्श कॉलोनी में एक महिला है जो स्मैक का कारोबार कर रही है। इसके लिए मुखबिर का जाल बिछा करके थाना पुलिस ने बहुत सराहनीय कार्य करते हुए उस महिला को स्मैक बेचते हुए वहां से गिरफ्तार किया। उसके पास से 40 ग्राम स्मैक, लगभग 80,000 रुपये और 71,000 रुपये नकद, और साथ ही में वहां पे एक राजकुमार नामक व्यक्ति था जो वहां पे स्मैक पी रहा था, उसको भी गिरफ्तार किया। उसके पास से 10 ग्राम स्मैक मिली है और ये अपने घर में ही लोगों को बैठा करके स्मैक पिलाने का काम करती थी। इसका नाम नीलम है और इसका पहले का भी आपराधिक इतिहास रहा है, जो इस तरह के कामों में जो है ये संलिप्त रही है। कितने सालों से सर ये स्मैक का कारोबार? ये पहले करती थी, बीच में इसने अपना काम बंद कर दिया था। अभी बता रही कि लॉकडाउन की वजह से जो कहीं काम करती थी तो इसका काम छूट गया था, जिस वजह से फिर से इसने जो है स्मैक बेचने का धंधा जो है शुरू कर दिया है। और इसमें और भी जो लोग संलिप्त हैं, जहाँ से स्मैक लाती है, कौन लोग सप्लायर है, मेन सप्लायर है, क्योंकि कैरियर तो बहुत छोटे और तरह के लोग हैं जो बहुत कम पैसों पे 2,000-2,000 पे अपना माल यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करते हैं। लेकिन ये जो है इसमें माफिया टाइप की महिला है और जो बड़े पैमाने पर जो है स्मैक की सप्लाई करती है। तो हमारा प्रयास है कि जो इस तरह के लोग हैं, जो बड़े किंग पिंग टाइप के लोग हैं, उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किन धाराओं में मुकदमा NDPS Act में 8/25 का NDPS Act का मुकदमा दर्ज हुआ, 8/22 NDPS Act का मुकदमा दर्ज हुआ।